प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। मैं इस्ताबुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के विरार रेलवे स्टेशन पर बुधवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने एक महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। विरार रेलवे स्टेशन के पैदल पुल पर आरोपी ने भीड़ के बीच दुस्साहस दिखाते हुए चाकू से महिला के गले पर वार कर दिया। इसी दौरान घटनास्थल से चंद कदम पर मौजूद GRP ने महिला को किसी तरह से बचाकर उसे नज़दीक के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। महिला के गले और हाथ पर चोट लगी है। बताया जा रहा है कि वारदात सुबह 7:30 बजे विरार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ब्रिज पर हुई थी। सुबह के वक्त यात्री विरार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे और इसी दौरान ब्रिज से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। लोगों ने दौड़कर देखा तो एक शख्स एक महिला पर हमला कर रहा था। जब वो महिला छटपटाकर भागने लगी तो आरोपी ने उसके गले पर चाकू से वार कर दिया। जानकारी में पता चला है कि ये हमला जो है पति पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद होने की वजह से हुआ है। आरोपी का नाम शिवा शर्मा और घायल पत्नी का नाम वीर शीला शर्मा बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी को रेलवे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। वहीं घायल महिला को एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।